तो गाइस ये रहा मॉर्निंग का चाय, लाल चाय विथ क्रीम रोल। अभी बढ़िया से चाय पीते हैं। और इस तरफ है गुंजन भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे रहा नींद? नींद बहुत बढ़िया रहा। सुबह सुबह उठा हूँ, बारिश भी हुआ था। तो हाँ लास्ट बारिश नाइट था होता ना, बहुत बारिश हुआ था। अभी वही चाय पी लेता हूँ। वेदर मस्त है आज। सही आज ठंडा है। हाँ, आज काम है। करके मजा आएगा। तो गाइस इस तरफ है मिस्त्री भाई जमाल भाई। यहाँ देखो जमाल भाई, हेलो बोल दो। कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और घर का काम चालू हो चुका है बहुत ही बढ़िया से। इस तरफ बहुत सारा कचरा वगैरह है, पत्थर भी है। जितना पत्थर है वो छोटा भाई साइड करके रख दिया है। और थोड़ा सा साइड दे दो, वो कचरा है ना जितना सारा, उसको अभी साइड करना है। और अभी पूरा ये सीधा जो है ना मिस्त्री भाई लगा रहा है ये सब। इसका अंदर पूरा बढ़िया से गड्ढा करेगा पूरा, क्या बोलता है, जोख मक कर रहे हैं ना, बढ़िया तरह से जोख हाँ मक का काम। जी, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ ओके ओके ठीक है। अभी धीरे धीरे करके काम करता हूँ। और इस तरफ ये मटका को हटाने पड़ेगा, पानी है। ये पानी ना फूल में देता है मम्मी जो है। बस अभी यहाँ पे जितना कचरा वगैरह था वो सब हटा साइड हो दिया। चुका है, हटा दिया। ओ भाई साहब, धीरे धीरे देख देख के। देखना भाई, हाँ देख देख के कल आराम आराम से। हमरा तोड़ना। नहीं। और अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो मिट्टी है ना उसको सेट करता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ का मिट्टी हमें काटने पड़ेगा ताकि जो पिल्लर होगा ना मेन खूंटा, उसके लिए बढ़िया से जगह निकल जाए। तो अभी लग रहा हूँ, चलिए बढ़िया से करता हूँ काम। और मिट्टी जो रहेगा मिट्टी को साइड से यहाँ पे रख दूँगा साइड में, फिर बाद में काम आ जाएगा। ओ घनी भाई कैसे हो? अच्छा हो? वाह घनी भाई को देखो, पानी भरा रहा है घर के लिए। बहुत मेहनत करते हैं रे। देखिए यहाँ का लोग जो है ना छोटा से, मैं भी जब छोटा था तभी ऐसा पानी उनी भरा था, थक गया। और इस तरफ जमाल भाई है, काम चल रहा है बहुत ही बढ़िया से। ये तो बहुत ही मस्त से काम हो रहा है यहाँ का। और चेहरा भी देखिए ना, पूरा पसीना पसीने हो गया। ये सब काम में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है ना। कोई नहीं, एक साथ सब लोग मिलके बढ़िया से काम कर रहे हो। अभी ना रूम का ये जो जगह है, ये जगह को क्लियर करने पड़ेगा, क्योंकि अभी सीमेंट आने वाला है। सीमेंट 12 बस्ता आएगा तो जगह तो है नहीं यहाँ पर ही। जैसे तैसे करके एडजस्ट करके रखने पड़ेगा। बाहर तो रख नहीं सकता, सीमेंट में पानी लगने से पूरा ख़राब हो जाएगा। और साइकिल बाहर रख दियो, साइकिल को अभी घर में लेके जाऊँगा, साइकिल को घर में रख दूँगा। और इस तरफ काम कर रहा है तीनों भाई बढ़िया से। चलिए साइकिल को रख के आता हूँ, सभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ का काम हो चुका है। और जो मेन खूंटा का पोस्ट भी ठीक है ना, उसके लिए भी यहाँ पे गड्ढा हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से गड्ढा कर दिया है। और एक्चुअली अभी सीमेंट लाने के लिए जा रहा हूँ, तो कपड़ा चेंज कर लिया हूँ। 50 किलो सीमेंट मतलब उठा के ही लाऊँगा, क्योंकि सीढ़ी है ना, वहाँ से बेम्बो में लाना प्रॉब्लम होता है, तो उठा के लाएगा। चलिए, वो रोड भी आ चुका है, रोड और वायर तार जो होता है, तार गजाल सब कुछ आ चुका है। वैसे भी यहाँ पे सीमेंट का बस्ता रखने के लिए नीचे जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ईटा भूल गया, ईटा बिछा दिया हूँ बढ़िया से। वहाँ पे 6 बस्ता रहेगा, यहाँ पे 6 बस्ता। और वहाँ पे छोटा भाई काम करके थक गया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अभी बैठा हुआ है, कुछ टाइम आराम कर रहा है। और इस तरफ है गुंजन भाई, भाई भी मौजे कर रहे हैं, मौजे मौज कर रहे हैं मौज। और मिस्त्री भाई देखता हूँ मिस्त्री भाई क्या कर रहा है। वो मिस्त्री भाई रोड कटिंग कर रहा है, देख सकते हो रोड का कटिंग कर रहा है मिस्त्री भाई। फाइनली पहुँच गया हो रास्ते के ऊपर। और यहाँ पे देखिए 12 बस्ता सीमेंट का रखा हुआ है, अभी लेके जाता हूँ नीचे तक। चलिए तो ठीक है, अभी उठाता हूँ भाई 50 किलो। पहले उठाया था, अभी तो आदत भी नहीं है, बेसरी काम का नाम लेता हूँ। तो गाइस अभी ना छोटा भाई ट्राई कर रहा है, मैं हम लोग तो बोल रहा हूँ मत लेके जाओ, लेकिन वो खुद ही बोल रहा है कोई नहीं ट्राई करता हूँ। अगर नहीं सीखने से ना फेंक देना, ठीक है, रख देना। देखो नारा जरी थे। फैमिली मेंबर्स यहाँ पे ना ये आर्म पे लेके गया है,
मीन्स वो यहाँ पे लेके गया है और मैंने लिया हूँ यहाँ पे बैक साइड में। तो वही है, ऐसे करके 12 बैग है, दो राउंड मारेंगे तो खत्म हो जाएगा। अभी 3 ले जा चुका हूँ, अभी और 3 लेंगे और 3 लेंगे, ऐसे करके खत्म हो जाएगा। सही है। तो गाइस अभी मुझे पता लग रहा है ये जो मतलब सीमेंट बस्ता का काम करता है उठाना के लिए, वो लोग भाई हिम्मत बहुत होता है, उन लोगों को सैल्यूट है। और स्पेशली जो पहाड़ में सब लेके जाता है सीमेंट वगैरह, बहुत मेहनत होता है। आज क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है उन लोगों के लिए दिल से मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत मेहनत होता है। और अभी मैं तो ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, लेकिन कोई कोई जो लोग है घर बनाने के लिए नीचे से पहाड़ ऊपर उठता है, तो भाई बहुत मेहनत होता है। चलिए हो चुका है, और 2 बार जाने से हो जाएगा। तो गाइस अभी और 4 बस्ता सीमेंट लाना है ऊपर से। कितना बस्ता है? 8 बस्ता ला चुका हूँ। थोड़ा सा भूख लगने लगा तो अभी घर में जाके कुछ खा लेता हूँ। मम्मी ने खाना रेडी किया, खाना मतलब दोपहर का खाना नहीं, अभी चीरा चूरा बोलते हैं ना, वो सब रेडी करके रखा है। तो अब लोग भाई जाएंगे, अभी खा के आते फिर एनर्जी मिलेगा, फिर बस्ता लेके आएगा सीमेंट का। बहुत ज़्यादा भारी होता है, उंगली जो है ना काम नहीं कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे करके लाया था ना, थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेता फिर लाएंगे। और इस तरह जमल भाई मिट्टी भाई काम करते हुए पूरा। तो बस ऐसा कुछ है, ब्रेकफास्ट में चूरा है, ये दही और गुड़, और सब भाई मिलके यहाँ पे गुंजन भाई, वहाँ पे बापन भाई, ये रहा मम्मी, और वह रहा जमाल भाई, सब लोग खा रहे हो। तो बस अभी फिर से घर का काम करने के लिए आ चुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। और अभी ये जो जगह है ना, यहाँ पे पोस्ट करने के लिए अभी गड्ढा खनने वाला हूँ, मिट्टी निकाल के बढ़िया से वहाँ पे जैसे किया ना, और चारों कोने में मतलब पूरा रस्सी से बढ़िया से वो कर जाए, मार्क कर जाए लाइन से बढ़िया से। और उस तरफ है जमाल भाई मिस्त्री भाई, वहाँ पे जो पोस्ट के लिए जो देगा ना, वो पोस्ट बना रहा है, ये देख सकते हो रोड से। तब तक मैं इसका काम कर लेता हूँ। मिट्टी जो है ना, ये जगह का बहुत हार्ड है, तो भाई धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मिट्टी का अंदर से क्या निकल रहा है, इतना कचरा, पूरा पैकेट पैकेट भाई साहब, इतना ज़्यादा टाइट है ना मिट्टी। तो गाइस फाइनली इसका गड्ढा हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, नीचे ना पत्थर निकल गया। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा पत्थर है, लेकिन सही है। इसका ऊपर जो मिस्त्री भाई है ना, वो लगा देगा। क्या क्या लगाएगा? जाल ना? नहीं लगेगा? अच्छा सही है, मिस्त्री भाई बोला पत्थर है ना, उसमें सीमेंट लगा तो बढ़िया से अच्छा रहेगा। और इस तरफ गुंजन भाई है, एक्चुअली मैं सोच रहा था हेयर कटिंग के लिए, लेकिन गुंजन भाई जो मशीन लाया ना, उसका चार्ज खत्म है, अभी चार्ज देगा भाई तो शाम को हेयर कटिंग होगा, और भाई भी काटेगा बपन। सच में गाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत से काम हुआ है यहाँ का। और 2 गड्ढा तो हो गया, अभी पीछे और 1 गड्ढा करना है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने जो ये लगाया था ना वाल, अभी तोड़ने पड़ेगा थोड़ा सा वाल, तो ये वाला रह जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे पोस्ट होगा ना, तो ये पत्थर को निकालने पड़ेगा नीचे का ना। जमाल भाई कितना नीचे था? ज़्यादा नहीं, निकल जाएगा आराम से, निकालने पड़ेगा। भाई इतना ख़तरनाक से बैठ गया ना ये पत्थर, निकल जाएगा, वो कोशिश कर रहा, देख सकते हो भाई इतना हेवी बन गया ना, निकल ही नहीं रहा, एक पत्थर तो निकल गया, पूरा सीमेंट जो ख़तरनाक से पकड़ लिया भाई, बहुत टाइट हो गया। और पत्थर से है ना, पत्थर का इसलिए बहुत ज़्यादा हेवी है। अभी गुंजन भाई तोड़ रहा है, भाई एक बार अगर प्लास्टर होने के बाद बहुत मुश्किल होता है, देखिए तोड़ने का, जैसे तैसे करके मतलब निकाल रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे 3 नंबर वाला पोस्ट के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, देख सकते हो चुका है, और थोड़ा सा करना है उसके बाद हो जाएगा। और इस तरफ छोटा भाई भी है, नहा धो के बढ़िया से फ्रेश हो गया भाई, खाना नहीं खाया? खाना बन रहा है, अभी बन रहा है खाना, एक साथ खाएंगे सब लोग।
काम तो अच्छा हो गया ना आज? काम अच्छा ही हुआ, अच्छा काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा और बढ़िया। और मेन काम तो भाई सीमेंट मतलब आ चुका है ना, 12 बस्ता, तो टेंशन नहीं है अभी, घर में पड़ा हुआ है। मेन मेन मतलब सामान आ चुका है। दोपहर का अभी 3 बजने वाला है और ये अलग गड्ढा भी हो चुका है बहुत ही बढ़िया से, देख सकते हैं। और अभी गुंजन भाई लोग गए हैं खाना खाने के लिए घर में, अभी मैं जाऊँगा कुछ टाइम बाद। एक्चुअली भूख नहीं लग रहा था, तो जैसे भाई लोग आएगा खाना खा के फिर मैं जाऊंगा खाने के लिए। और सच में गुंजन भाई जो हेल्प कर रहे हैं मुझे, मैं भाई को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभी सामने तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और भाई को भी, मेरा छोटा भाई जो है बहुत ही हेल्प कर रहे हैं घर बनाने में। और आप लोग जो सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हो ना, दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ आप लोगों को। और मिस्त्री भाई भी बहुत ही अच्छा है। चलिए अभी खाना खाएंगे, कुछ टाइम रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं। चलिए सभी बढ़िया से खाना पीना हो चुका है और अभी मसाला का काम करने वाला हूँ। और मसाला का जो काम होने वाला है, यहाँ पे जो सामान रखा हो ना, खाली स्पेस है, यहाँ पर ही मसाला का काम होगा। बाली यहाँ पे डाल दियो और इसका ऊपर अभी गिट्टी भी जाएगा क्या? गिट्टी जाएगा, फिर सीमेंट जाएगा। और इस तरफ जमाल भाई पोस्ट का काम कर रहा है, पोस्ट लगा भी दिया। एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाइए। दो पोस्ट इस तरफ, एक पोस्ट देख सकते हो ना, ये रहा सामने ये वाला, ये वाला एक पोस्ट, और कोना में भी सेम टू सेम वैसे पोस्ट दे दिया। अभी इसका अंदर जाएगा मसाला, तो मसाला बनाता हूँ। चलिए तो गाइस वहाँ पे मसाला का काम किया था और भाई ने, गुंजन भाई ने बहुत ही मस्त मसाला बनाया, थैंक यू। और अभी मसाला वहाँ से लेके हम लोग ना वो जो कॉर्नर में पोस्ट है वहाँ पे डाल दिया, जूम करते हूँ, वो पूरा बढ़िया से मिक्सअप हो गया है। और अभी ये पोस्ट में डालेगा बढ़िया से, मिस्त्री भाई जी मिला रहे। तो गाइस शाम का अभी 4:40 हो चुका है और मसाला का जितना काम था दो पोस्ट में ख़त्म हो चुका है मसाला डाल के। और अभी यहाँ पे एक पोस्ट दिया हो, यहाँ पे अभी मसाला नहीं है, अभी बनेगा मसाला। और वहाँ पे भी एक पोस्ट जाएगा, वहाँ के लिए भी रेडी हो रहा है। अभी दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा, चलिए क्या क्या हो रहा है। सीमेंट एक बस्ता यहाँ से लेके गया, और इस तरफ जमाल भाई और एक पोस्ट चाहिए ना, कोटा यहाँ पे तैयार कर रहा है वहाँ पे देने के लिए। और उस तरफ गुंजन भाई मसाला मिक्स करते हुए मिक्स कर रहे। चलिए अभी ये मसाला का काम कर लेता हूँ, फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ। अभी 5:30 बज चुका है और आज के लिए काम समाप्त। इस तरफ छोटा भाई है, और दिखाता हूँ अभी, ये है मिस्त्री भाई, बढ़िया लगा आज, मस्त काम किया। इस तरफ गुंजन भाई भी है, वाह। और दिखाता हूँ यहाँ पे एक पोस्ट हो गया, वहाँ पे एक पोस्ट हुआ, पीछे में भी हुआ है, वो भी दिखा देते। चलिए यहाँ पे एक पोस्ट दे दियो, देख सकते हो, और वो कोना में एक पोस्ट दे दो। यहाँ पे ना थोड़ा सा मसाला कम हो गया, और फिर अभी हमने सोचा आज मसाला का काम नहीं करेगा, कल करते हैं। मैंने जो नीचे मसाला देना था ना, इसका नीचे बढ़िया से मसाला हो गया है। और अभी मैं सोच रहा हूँ मेरा जो हेयर है ना बहुत ख़राब दिख रहा है, तो गुंजन भाई बोल रहे हैं अभी हेयर कटिंग कर देता हूँ। ठीक है चलिए अभी हेयर कटिंग करके नहा धो के उसका बाद मिलते हैं बढ़िया से। तो गाइस अभी रात का 8:30 बज चुका है, और पहले तो मेरा लुक देखिए, हेयर कटिंग हो चुका है बहुत ही बढ़िया से, और जो क्रेडिट जाता है वो भाई को जाता है, इतना मस्त हेयर कटिंग किया भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पूरा, मतलब इतना बढ़िया हो चुका है।
और सच में आज मतलब सोचा नहीं था घर का जो काम इतना बढ़िया से होगा और बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, क्योंकि मैं था, भाई था, मेरा छोटा भाई भी था, मिस्त्री भाई भी था, पूरा चार जन बहुत ही बड़े से काम हो चुका है, मतलब चार पिलर का काम हो गया। और कल आएगा, कल फिर लेंटर का काम करना है, वो सब भी दिखाएंगे बढ़िया से। और एक्चुअली यहाँ पे ना बारिश हो रहा है, मैं आप लोगों को पता होगा मैं IPL देखता हूँ मैच, आज हमारा यहाँ पर ही है मैच गुवाहाटी में, लेकिन आज अभी बारिश हो रहा है तो देख नहीं पाऊँगा, पता नहीं कब ये बारिश कमेगा। शाम तक नहीं था, अभी जैसा आया बारिश 7 बजे जैसा आया, धीरे धीरे हो रहा है, उतना भी तेज़ बारिश नहीं हो रहा है, तो अभी भूख भी लग रहा हूँ। और स्पेशली आप लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो कर रहे हो सच में, और इस तरह भाई लोगों का भी जो सपोर्ट और प्यार मुझे मिल रहा है। सच में आजकल ना दुनिया ऐसा हो चुका है जो सच्चे लोग, सच्चे भाई, सच्चे दोस्त मिलना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है। मैं इतना खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, और इन भाई लोगों का जैसा अच्छा अच्छा दोस्त, अच्छा अच्छा भाई मिल रहा है, फ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इसे सपोर्ट करते रहिए, और भाई का चैनल भी है, भाई का भी सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। भाई का चैनल है फुटबॉल ट्रेवलर, बहुत ही मस्त बंदा है भाई, दिल से लव यू बोलता हूँ भाई को, सच्ची में लव यू मोर। हम भी बहुत पसंद करते हैं, जो हमारा दिगंत है ना, बहुत ही हम्बल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, तो हमको भी ये बात पता है ना, इसके कारण से आज इसके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, नहीं तो कब का मीन्स हम अलग अलग हो जाते। ओके, यही प्यार है, यही हमें डेली मतलब हंसते रहना चाहिए जितना हो सके, जीवन में हमेशा खुश मतलब हो नहीं सकता है, दुख तो रहेगा ही, लेकिन उसका बीच में मतलब हमें जीवन जो है अच्छी तरह से बिताना है, मतलब अच्छा से रहना है, हंसी मजाक मतलब रहना चाहिए जिंदगी में। तो ठीक है, अभी जाता हूँ घर में, घर में जाके खाना वाना खाएंगे बढ़िया से, और मस्त मौसम है, मतलब बारिश हो रहा है, बढ़िया से सो जाएंगे, और थोड़ा बहुत थक भी गया है, बहुत ज़रा मेहनत भी किया है। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय आई होम, बाय बाय।